the more interesting situation to learn would be the acids of phosphorus. Phosphorus ki acids, main teen acid isi samay phosphorus ki likhta hun. H3PO2, H3PO3 and H3PO4. Observe this three acids of phosphorus. H3PO2, H3PO3 and H3PO4. All these three acids of phosphorus have got three hydrogen atoms. Now my question is, how many replaceable hydrogen are there in this three acids of phosphorus? Phosphorus ki in tino acid mein replaceable hydrogen kitne hai? What are the possible values of basicity for this three acids of phosphorus? What are the possible values of equivalent weight for this three acids of phosphorus? Hum is baat ko samajhte hain. अब इस बात को समझने के लिए हमें फास्फोरस के इन तीनों एसिड का स्ट्रक्चर देखना जानना जरूरी है. बिना स्ट्रक्चर देखे, बिना स्ट्रक्चर जाने आप इस बात को बता नहीं पाएंगे. फास्फोरस की कंपाउंड्स में जनरली यह एक जनरलाइज्ड, फास्फोरस और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स में यह एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर तो होता ही है, पी डबल बॉन्ड ओ और इसके अलावा तीन बॉन्ड. यह एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है. जरा देखिए, पी डबल बॉन्ड ओ और यह तीन सिंगल सिंगल बॉन्ड, पी डबल बॉन्ड ओ और यह तीन सिंगल सिंगल बॉन्ड, और पी डबल बॉन्ड ओ यह तीन सिंगल सिंगल बॉन्ड. अब जरा देखिए, पी डबल बॉन्ड ओ के बाद अब इधर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बचा हुआ है, पी ओ टू है, एच थ्री पी ओ टू. अब एक ऑक्सीजन बचा है तो एक हाइड्रोजन इसी ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा हुआ है OH, और बाकी दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2. अब हम बात करें H3PO3 की. H3PO3 में पी डबल बॉन्डो के बाद दो ऑक्सीजन बचे, तो दो हाइड्रोजन इन दो ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए हैं. दो हाइड्रोजन तो इन्हीं दो ऑक्सीजन के थ्रू, और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. और अब H3PO4 में देखिए, H3PO4 में पी डबल बॉन्ड ओ, इधर तो एक ऑक्सीजन चला गया, तीन ऑक्सीजन है और तीन हाइड्रोजन है, तो तीन ऑक्सीजन के थ्रू बाकी के तीनों हाइड्रोजन डायरेक्टली ना जुड़कर तीनों हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2. This is the structure of H3PO3. This is the structure of H3PO4. अब इस स्ट्रक्चर को जानने के बाद अगला बात जो हमको समझना है, दैट इज जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दैट इज नॉट रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन, दैट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन. वह एच पॉजिटिव के फॉर्म में कभी भी बाहर नहीं आ सकता. ऐसा क्यों, जरा सोचो. जैसे यह हाइड्रोजन फास्फोरस से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, यह जो हाइड्रोजन फास्फोरस से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, यह भी और यह भी फास्फोरस से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहेंगे. दिस इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, this is not a replaceable hydrogen, this would never come out in the form of H positive ions. ये H positive form की, H positive बन के बाहर नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता, जरा सोचिए. Just imagine कि यदि यह H positive बन के बाहर आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस के पास छोड़ेगा, तो फॉस्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. मगर ऐसा होने के लिए फास्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए. फास्फोरस यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होएगा तो अपने ऊपर हाइड्रोजन के द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन को
संभाल लेगा, झेल लेगा, रख लेगा, मगर फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को झेल नहीं सकता, वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकता, इसलिए वह हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर एच पॉजिटिव बनकर जाने की अनुमति ही नहीं देगा। फास्फोरस उस हाइड्रोजन को टाइटली बांध रखेगा, टाइटली पकड़ के रखेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि भाई तेरे द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन में संभाल ही नहीं सकता, उनमें ताकत ही नहीं है। फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोजन को इस तरह से इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए यह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, रिप्लेसिएबल नहीं होगा, यह एच पॉजिटिव के रूप में बाहर नहीं आ सकता, ना तो यह हाइड्रोजन बाहर आ सकता है ना ही यह हाइड्रोजन। तो फिर कौन सा हाइड्रोजन बाहर आएगा? मैं कहता हूं यह जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, यह एसिडिक हाइड्रोजन है, यह रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन है, यह एच पॉजिटिव के रूप में बाहर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन अपने ऊपर हाइड्रोजन के द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन झेल सकता है, संभाल सकता है, रख सकता है। ऑक्सीजन ऐसा चाहता भी है। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास छोड़ता है और बाहर एसिडिक हाइड्रोजन के रूप में चला जाता है। हम कहते हैं दिस इज द ओनली पॉसिबल रिएक्शन विथ H3PO2 के साथ में सिर्फ यही एक पॉसिबल है कि यह एक एच पॉजिटिव आयन निकाल दे बाहर, एक एच पॉजिटिव आयन निकालकर HPO2 नेगेटिव बना ले, और इस तरह से H3PO2 के लिए हम कहेंगे कि यह सिर्फ एक NaOH के साथ में कंबाइन करेगा और NaHPO2 प्लस H2O देगा। दिस इज द ओनली पॉसिबल फिनोमेना विथ H3PO2। इट मींस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बेसिसिटी फॉर H3PO2 इज वन ओनली। इसके लिए जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ बेसिसिटी है वह वन है, और इसका इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू होगी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वन। दिस इज द ओनली पॉसिबल इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2। इसके अलावा दिस इज अ मोनो बेसिक एसिड, H3PO2 मोनो बेसिक एसिड कहलाएगा। मोनो बेसिक एसिड मतलब यह सिर्फ एक एच पॉजिटिव आयन ही रिलीज करेगा, यह सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ ही कंबाइन करेगा। This is with H3PO2। अब वहीं पर अब जरा हम बात करें H3PO3 की। H3PO3 में तीन हाइड्रोजन है जरूर, मगर क्या यह तीनों एसिडिक है? क्या यह तीनों रिप्लेसिएबल है? क्या यह तीनों एच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आ सकते हैं? नहीं। इन तीनों हाइड्रोजन में यह एक हाइड्रोजन, यह एक हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, यह एसिडिक नहीं है, यह रिप्लेसिएबल नहीं है, यह एच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यह एच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा और अपना इलेक्ट्रॉन जब फास्फोरस को देने की कोशिश करेगा तो फास्फोरस उसे लेगा ही नहीं, मना कर देगा, बिल्कुल भी नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास संभालो, हमारे पास ताकत नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास झेलने की, रखने की। यह फास्फोरस की बात होगी।